जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आरजाग लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट आपकी यह है कि आपकी इसके अंदर लाइब्रेरी इसके अंदर आपकी जो आपकी बैंक की भर्ती है, इसके अंदर आपकी क्या योग्यता रहती है और इसके अंदर आपकी क्या आप 12वीं पास ग्रेजुएशन पास फॉर्म लगा सकते हैं और सीईटी से बाहर बड़ी भर्ती है, सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर आपका और पद क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी और इसके अंदर आपकी जो आपकी राजस्थान सहकारी बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है, इस बैंक की भर्ती है आपकी, इसके अंदर बड़ी आपकी अपडेट रहती है। तो तमाम ऐसी भर्तियां की अपडेट हम देते रहते हैं, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देते हैं आप सभी के बीच में, तो आप देखिएगा इसके अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी देते हैं। यह आपकी है, आपकी जो गांव के अंदर बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक जो आप बोलते हैं, राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती है। इसके अंदर मैं बात करूंगा आपकी 500 550 प्लस आपकी भर्ती आ रही है, जिसके अंदर फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म डेट आपकी आई नहीं है, आपकी जैसे ही आएगी तो हम अपडेट दे देंगे, बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है, ठीक है। राजस्थान के अंदर ये जॉब होगी, तो इसके अंदर राजस्थान की भर्ती है, बड़ी भर्ती है। सैलरी की बात करूं तो आपकी 34,000 से लेकर 96,000 मतलब लाख रुपए तक सैलरी है, बहुत शानदार भर्ती है। बैंकिंग जॉब की जॉब है ये, बहुत शानदार भर्ती, मैं तो ये कहता हूं। तो आप अच्छे से इसके अंदर तैयारी कर सकते हैं। क्या आप दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करके अपना सपना साकार कर सकते हैं क्या, वो भी जैसे इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आप देखेंगे इसके अंदर बात करूं आगे के लिए, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कितने वर्ष का अनुभव चाहिए। इसके अंदर काफी सारी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्टों की मैं बात करूं तो अलग अलग पोस्ट बताता हूं मैं आपको। पहले देखो पहले मैं इसके अंदर अलग अलग पोस्ट बताता हूँ कितने टाइप की पोस्ट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर हो गया, बैंकिंग सहायक हो गया, मैनेजर हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, कुल पद इसके अंदर आपकी 566 आ गया। तो इसके अंदर आपके इस टाइप का अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पद डिवाइडेशन आएगा, तो इसके लिए आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योग्यता रखी है। तो योग्यता क्या है वो चीज देखते हैं। पहले देखो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जो आपकी सीनियर मैनेजर है उनके लिए काफी हाई क्वालिटी रखी है, जो आपकी एमबीए डिग्री या फिर किसी स्नातक के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है वो कर रखा हो, तो इसके अंदर आप इसके अंदर देख सकते हो। RSET मिनिमम आपकी जरूरी है। और इसके अलावा इसके अंदर बैंक मैनेजर के लिए आपकी क्या पोस्ट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी ग्रेजुएशन पास आपका होना चाहिए और साथ ही इसके अंदर आपकी कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए, RSET मिनिमम आपकी डिग्री कर रखे, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक मैनेजर के लिए कितनी बड़ी पद है, मैनेजर आप बैंक के मैनेजर होंगे बड़े पोस्ट पे। तो इसके अलावा मैं बात करूं इसके अंदर प्रोग्रामर के लिए, तो प्रोग्रामर के लिए आप इसके अंदर अलग से आपकी इसके अंदर स्पेशल कुछ ना कुछ आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन लेवल की हो, जिसके अंदर आपकी इसके अंदर बीटेक हो सकती है, बीई हो सकती है, एमसीए हो सकता है, एमएससी हो सकती है, आईटी में एमएससी हो सकती है, ये सब इसके अंदर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आपकी 1 साल का अनुभव आपके पास होगा, तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसके अंदर तो आपको टेंशन लेना नहीं है, इसके अंदर कुछ ही पद आएंगे, ज्यादा पद नहीं आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपकी कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट की बात करूं तो इसके लिए आपकी कोई ज्यादा नहीं है, इसके अंदर आपकी 12वीं पास नहीं ग्रेजुएशन पास आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट भी काफी अच्छी रखी है, जिसके अंदर आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आपकी इसके अंदर छूट दे रखी है, तो आप आराम से आवेदन कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके अंदर सपना साकार कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग पोस्ट पद मैंने आपको पहले बता दिए कि ये पद आ सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो आपको ये बता सकता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो मिलता जुलता बाकी वैकेंसियों है या नहीं है, इसके अंदर क्या स्पेशल पढ़ना पड़ता है जिससे आपका इसके अंदर सपना साकार हो सके या नहीं हो सके। तो अब इसके अंदर देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इसके अंदर बैंक की तैयारी करें तो नॉर्मल आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो इसके अंदर 25 क्वेश्चन या 25 मार्क्स की आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। ये आपकी मैनेजर पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, सीनियर मैनेजर के लिए, और प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा अलग सिलेबस हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको सीनियर मैनेजर का सिलेबस बता दूंगा तो आप सारी पोस्टों के लिए सिलेबस जान जाएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, आप इंग्लिश सीईटी में पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सीईटी में पढ़ रहे हैं, और राजस्थान का जीके आप सीईटी के अंदर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर आप सीईटी के अंदर पढ़ रहे हैं, आप एक एक्यूरेसी जो आपकी एक्स्ट्रा है, इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट जो आपकी है वो अलग से है, रूल्स 2003 के अलग से है, कोऑपरेटिव सेंचुरी ऑफ राजस्थान का जो आपका है वो अलग से है। तो इसके अंदर आप 40 मार्क्स ये हो गए, 30 मार्क्स ये हो गए, 70 मार्क्स ये हो गए, 25 मार्क्स ये हो गया,
तो आप इसके अंदर लगभग 95 मार्क्स है जो अलग से बाद में पढ़ सकते हैं, जब वैकेंसी आ जाए प्रॉपरली आपको समय मिले कि इस समय से इस समय तक एग्जाम होने वाला उस टाइम पढ़िए। अभी आपके साथ साथ में क्या कवर हो रहा है, 25 मार्क्स की इंग्लिश कवर हो रही है, इसके अलावा इसके अंदर रीजनिंग 50 मार्क्स ये हो रहा है, इसके अलावा इसके अंदर आपकी राजस्थान का जीके 30 मार्क्स 80 मार्क्स हो गया, कंप्यूटर 25 मार्क्स, तो अब इसके अंदर 105 मार्क्स का तो आप कवर कर रहे हैं, तो 95 मार्क्स बाकी रहा है। तो अब इसके अंदर देख सकते हो 50% तो आप इसके अंदर ऑलरेडी कवर कर पा रहे हैं। अब बाकी आपको पढ़ना एक्स्ट्रा क्या है, आप इस 50 के अंदर 20% और इनमें से आपने पढ़ लिया तो अपना कोऑपरेटिव बैंक अपना सहकार हो सकता है, और 20% आप जब पढ़ सकते हैं जब आपकी वैकेंसी आ जाए, तब इस 50 में से आप 40% वादा करते हैं कि मैं ले आऊंगा तो 20% ये ले आते हैं, तो लगभग 60-65 ही आपकी मेरिट जाती है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप अपना साकार कर सकते हैं। और बाकी अलग अलग पदों के लिए तो अलग अलग है ही है, जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे तो इंग्लिश आती है, नंबर एबिलिटी रीजनिंग आती है, और इसके अंदर राजस्थान जीके आता है, प्रोफेशनल नॉलेज आता है। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका इसके अंदर सब्जेक्ट के रिलेटिव होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर ये आपकी चीजें जो मैटर करती है, तो आप उम्मीद करता हूं इसके अंदर अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आप इसके अंदर सोच रहे होंगे कि आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, कहां से भरा जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपने मोबाइल के अंदर चेक करते रहिएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी है, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो कर देगा, जो आपकी RACRB.rajasthan.gov.in, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती की है, इस वेबसाइट पे जाते रहिए, वहां पे रिक्वायरमेंट पेज पे जाते रहिए, और यहाँ पे आपको ये कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट के ऑप्शन शो कर देगा, उसके अंदर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद वहां पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, तमाम बातें इसके अंदर मांगी जाएगी वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये जब आएगा, ये जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आने की पूरी पूरी संभावना है, सबकी उम्मीद लिखी हुई है कि बहुत जल्दी आपकी इसके अंदर भर्ती आने वाली है। तो मेरा ये फर्ज बनता था कि आपको सिलेबस बताऊं, आप दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर अपना सत्ता साकार कैसे कर सकते हैं वो भी चीजें बताऊं, कितने पदों पर आती है, क्या एज योग्यता रहती है, वो तमाम इसके अंदर बातें आपने कवर की। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हम इसी टाइप से इंफॉर्मेशन आपको लिए देते रहेंगे। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।